गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेद माता गायत्री पब्लिक शिक्षण संस्थान अरण्या कक्षा 12 हिंदी वितान पुस्तक में पाठ संख्या 4 चल रहा है, उसका आज हम विद्यार्थियों पार्ट 4 पढ़ेंगे। हाँ, तो देखियो आगे क्या होता है। लथीपा सुनाने वाले को अकेले हंसना पड़ता है। वो कहाँ छुपे हुए हैं? गुप्त स्थान एनेक्षी में। तो लथीपा मतलब हंसी मजाक का जो वाक्य सुनाते हैं उसके लिए अकेला हंसना पड़ता है। किसको? एनफ्रिंग को। अलग अलग गवाले, राशन वाले, कसाई, जो घरों के इन दो भूतपूर्व मालकिनों के संपर्क में आए, इतनी बार उनके चरित्र चित्रण हो चुके हैं। कौन कौन? अलग अलग गवाले, राशन वाले, कसाई, जो घरों के इन दो भूतपूर्व मालिकों के हर संपर्क में आए, उनके चरित्र चित्रण हो चुके हैं। हमारी कल्पना शक्ति में उनमें जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। एनएक्सी की यह हालत है कि यहाँ नया या ताज़ा सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है मेरी प्यारी किट्टी। फिर भी इन सारी चीज़ों में ताज़ा सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। लोगों को नमक मिर्च लगाकर, यह मुहावरा है, नमक मिर्च लगाकर, बढ़ा चढ़ा कर, बढ़ा चढ़ा कर, नमक मिर्च लगाकर वह सब कुछ दोहराने की आदत ना होती तो मिस्टर क्लीमेन जॉन मिया पहले ही बता चुके होते। कई बार मैं मेज के नीचे अपने आप को खुद चिकोटी काट कर रोके रहती हूँ कि कहीं किसी को टोक न दूँ। अरे मैं कभी कभी तो ऐसा होता है मेरे साथ में, एन फ्रिंग कह रही है कि मैं छोटे है ना, मैं मेज के नीचे अपने आप को चिकोटी काट कर रोके रहती हूँ, मतलब वहाँ छुप जाती हूँ कहीं किसी को टोक न दूँ, भाई मैं बीच में न बोल जाऊँ। छोटे बच्चे खासकर एन कभी भी किसी बड़े को टोकने की सही लाइन पर लाने की हिम्मत न करे। देखो छोटे बच्चे खासकर बड़ों को टोकने की हिमायत कभी भी नहीं करनी चाहिए विद्यार्थियों। भले ही उनकी गाड़ी पटरी से उतरी जा रही हो, बड़ों की गाड़ी चाहे पटरी से उतरी जा रही हो, मैं तो कहने का मतलब ज़्यादा बोलते जा रहे हो, लेकिन फिर भी छोटों को है वो बीच में टोकना नहीं चाहिए, है ना, उनकी या नहीं तो उनका दिवाला पिट चुका होगा। चलो आगे देखते हैं। हाँ, जॉन और मिस्टर क्लीमेन को अज्ञातवास में छुपे या भूमिगत हो गए हैं। जॉन और मिस्टर क्लीमेन को अज्ञातवास में छुपे या भूमिगत हो गए, लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। लोगों के बारे में इन लोगों को बात करना क्या लगता है भाई? अच्छा लगता है। हाँ, हमें उनकी तकलीफों से हमदर्दी भी है, वो अंदर छुपे हुए हैं इस कारण हमदर्दी भी है जो गिरफ्तार हो गए हैं, और उन लोगों की खुशी में हमारी खुशी है जो कैद से आज़ाद कर दिए गए हैं। अरे जिन लोगों को कैद से आज़ाद कर दिए गए हैं उन लोगों की खुशी में हमारी खुशी है। भूमिगत होना और अज्ञातवास में चले जाना तो अब आम बात हो गई। एन फ्रेंक कह रही है कि ऐसा माहौल, ऐसा समय आ चुका है कि भूमिगत होना और अज्ञातवास में चले जाना तो आम बात हो गई है। हाँ, कई प्रतिरोधी दल भी हैं। कैसे? फ्री नीदरलैंड्स, कई प्रतिरोधी दल भी हैं कि वो कैसे भी नीदरलैंड है, फ्री होना चाहिए, जो नकली पहचान पत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नकली पहचान पत्र, वो पीले पीले वाला है ना। अज्ञातवास में छुपे लोगों को वित्तीय सहायता भी देते हैं, अज्ञातवास में छुपे लोगों को वित्तीय सहायता पैसे भी देते हैं। युवा ईसाइयों के लिए काम तलाशते हैं, युवा ईसाई हैं उनके काम तलाशते हैं उनके लिए। कितनी हैरानी की बात है कि ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर, जान जोखिम में डालकर मतलब मुसीबत लेना है, दूसरों की मदद के लिए कितना काम कर रहे हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारी मदद करने वालों का है। हमारी भी तो लोग मदद करने में लगे हुए हैं जो हमारी आज तक मदद करते आए हैं, और उम्मीद
तो यही है कि वे हमें सुरक्षित किनारे तक ले जाएंगे। हमारी मदद करने वाले हैं ना, वो लोग हमें सुरक्षित किनारे तक ले जाएंगे। इसका कारण यह है कि अगर वे है ना, इसका कारण यह है कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनकी किस्मत भी हमारी जैसी हो जाएगी। अगर वो मदद नहीं करेंगे ना तो उनकी है ना किस्मत भी हमारी किस्मत जैसी हो जाएगी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम उनके लिए मुसीबत हैं। वे लोग हमारी मदद करने वाले हैं ना, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि वे लोग हम जिनकी मदद कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या बनी हुई है, मुसीबत। वे रोजाना ऊपर आते हैं, पुरुषों से कारोबार और राजनीति की बातें करते हैं। आगे देखेंगे अपन। महिलाओं से खाने और युद्ध के समय की मुश्किलों की बात भी करते हैं वे लोग मदद करने वाले। बच्चों से किताबों और अखबारों की बात करते हैं। वे हमेशा खुश दिल दिखने की कोशिश करते हैं कि आप भी खुश दिल दिखें, प्रसन्न रहें अज्ञातवास में। जन्मदिनों और दूसरे मौक़ों पर फूल और उपहार भी हमारे लिए लाते हैं। जन्मदिन या कोई अन्य पर्व उत्सव होता है तो हमारे लिए फूल और उपहार लाते हैं। हमेशा हर संभव मदद करते हैं। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। ऐसे में जब दूसरे लोग जर्मनों के खिलाफ युद्ध में बहादुरी दिखा रहे हैं, हमारे मददगार रोजाना अपनी बेहतरीन भावनाओं और प्यार से हमारा दिल भी जीत रहे हैं। अजीब अजीब कहानियां चल रही है, एन फ्रैंक बता रही है। अजीब कहानियां चल रही हैं, उनमें काफ़ी सच भी हैं। अभी मिस्टर क्लीमेन गेल्डरलैंड में भूमिगत हो चुके हैं। आदमी और पुलिस वालों के बीच हुए फुटबॉल मैच का जिक्र कर रहे थे वो, है ना? किसके, आदमी और पुलिस वालों के बीच में, आम आदमी और पुलिस वालों के बीच में क्या हुआ था, फुटबॉल मैच, उसका जिक्र कर रहे थे। हिलवर्सम में नए राशन कार्ड जारी किए गए, है ना? हिलवर्सम में नए राशन कार्ड जारी किए गए किनको, ऐसे लोगों को जो अज्ञातवास में रह रहे हैं, राशन खरीदने की सुविधा उनको हो सके उनके लिए राशन कार्ड भी दे रहे हैं। अगर राशन कार्ड न हो तो एक कार्ड के, आगे देखो, एक कार्ड के लिए भी थोड़ा सा ये डाउन हो गया, क्या हुआ, थोड़ा सा देख लेंगे पुस्तक से। एक कार्ड के लिए 60 गिल्डर देने पड़ते हैं। जिले में अज्ञातवास में रह रहे सभी लोगों से रजिस्ट्रार ने आग्रह किया है। रजिस्ट्रार पंजीयन वाला है ना, पंजीयन वाला है। उसने आग्रह किया है कि वे फला दिन, मतलब उस दिन, फला दिन का मतलब है उस दिन, एक अलग मेज पर आकर अपने कार्ड ले जाएंगे, है ना? एक निश्चित दिन किया गया अज्ञातवासियों के लिए। इस सब के साथ ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि इस तरह की चालाकियों की जर्मनों को हवा भी न लगे, है ना? पता भी न लगे। तुम्हारी एन। अब बात करेंगे विद्यार्थियों, बुधवार 29 मार्च 1944, मेरी प्यारी किट्टी, कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोलकेस्टी ने लंदन से डच प्रसारण में कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों और पत्रों का संग्रह किया जाएगा और फिर हर कोई मेरी डायरी पर झपट पड़ेगा, क्या होगा, सोचो ये कितना दिलचस्प होगा जब मैं इस गुप्त एनेक्सी के बारे में छपवाऊंगी। उसका शीर्षक ऐसा होगा कि लोग इसे एक जासूसी कहानी समझेंगे। हाँ, मैं सही बता रही हूँ, युद्ध के 10 साल बाद लोग इससे कितना चकित होंगे कि जब उन्हें पता चलेगा कि हम लोग कैसे रहते थे। 10 साल बाद में पता चलेगा कि हम लोग
गुप्त एनेक्सी में अज्ञातवास में कैसे रहते थे, हम क्या खाते थे, और यहूदियों के रूप में अज्ञातवास में हम क्या क्या बातें करते थे। हालांकि मैं तुम्हें इस जीवन के बारे में काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी तुम अभी भी थोड़ा सा ही जान पाई। और विद्यार्थियों कत्ती तो स्टोरी कह दी, फिर भी ये बोल रही है एन फ्रैंक कि प्यारी किट्टी अभी तो बहुत कम ही जान पाई हो। हवाई हमले के दौरान औरतें कैसे डर जाती है, हवाई हमले होते हैं ना, हाँ आकाशीय हमले, औरतें कैसे डर जाती है। अब देखो ना, पिछले रविवार जब 350 ब्रिटिश वायुयानों ने इजुमीडेन पर 550 टन गोला बारूद बरसाया तो हमारे घर ऐसे कांप रहे थे जैसे हवा में घास की पत्तियाँ, हवा में घास की पत्तियाँ कांपती है ना, वैसे हमारे घर कांप रहे थे। या हमारे इन घरों में कैसी महामारियाँ फैली हुई है। चलो आगे चलते हैं, तुम्हें इस सब की कुछ खबर नहीं है, सब कुछ तुम्हें बताने में पूरा दिन लग जाएगा। लोगों को सब्जियों और सभी प्रकार के सामानों के लिए लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। क्या कह रही है एन फ्रैंक, लोगों को सब्जियों और सभी प्रकार के आवश्यक सामानों के लिए लाइन में खड़े होना पड़ता है। डॉक्टर अपने मरीजों को नहीं देख पाते क्योंकि उन्होंने पेट मोड़ी नहीं कि उनकी कारें और मोटरसाइकिलें चुरा ली जाती है, कार और मोटरसाइकिल की चोरी हो जाती है। चोरी चकारी इतनी बढ़ गई है किट्टी कि डच लोगों में अंगूठी पहनने का रिवाज तक नहीं रह गया, अंगूठी भी नहीं पहनते हैं डच लोग। आगे देखो, छोटे छोटे बच्चे 8, 8, 10, 10 बरस के होंगे, 8, 8, 10, 10 बरस के होंगे, लेकिन लोगों के घरों की खिड़कियां तोड़कर घुस जाते हैं और जो भी हाथ लगा उठा ले जाते हैं। लोग 5 मिनट के लिए भी अपना घर छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं, इतनी चोरियां डकैती शुरू हो गई, क्योंकि लौटने पर उन्हें घर में झाड़ू फ्री मिलेगी। झाड़ू फ्री मिलने का मतलब है सब कुछ साफ, मुआवरा है, सब कुछ साफ, हाँ। चोरी गए टाइपराइटरों टाइप करने वाले, ईरानी कालीनों, बिजली से चलने वाली घड़ियों, कपड़ों आदि को लौटाने के लिए अखबारों में इनाम के विज्ञापन आए दिन पढ़ने को मिलते हैं कि अमुक चीज़ चोरी हो गई लौटाने पर इतनी इनाम, ईरानी कालीन चोरी हो गई लौटाने पर ये इनाम। गली गली नुकड़ों पर लगी बिजलियों से चलने वाली घड़ियां लोग उतार ले गए और सार्वजनिक टेलीफोनों का पुर्जा पुर्जा गायब हो चुका है। डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है, डच लोगों की नैतिकता नैतिक आचरण है अच्छे नहीं है। सब भूखे हैं वे किट्टी, नकली कॉफी को छोड़ दो तो एक हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चल पाता। अभी और क्या देखना बाकी है, पुरुषों को जर्मनी भेजा जा रहा है, पुरुषों को जर्मनी भेजा जा रहा है, बच्चे बीमार हैं या फिर भूख से बेहाल है, सब लोग फटे पुराने कपड़े और घिसे पिटे जूते पहनकर काम चला रहे हैं, ऐसी हालत हो गई है अज्ञातवास में रहने वाले लोगों की। ब्लैक मार्केट में जूते का नया तला 7.50 गिल्डर का मिलता है। ब्लैक मार्केट जानते हैं क्या, काला बाजारी, इतनी काला बाजारी हो गई, सॉरी काला बाजारी, तो जूते का नया तला, तल है क्या तलवारे, 7.50 गिल्डर मिलता है जर्मनी की मुद्रा। इसके अलावा बहुत कम मोची मरम्मत का काम कर रहे हैं, बाहर ही नहीं निकल पाते, यदि वे करते भी हैं तो 4 महीने इंतजार करना पड़ेगा, पैसों और जूते नहीं मिल पाएंगे और इस पीस जूता गायब भी हो चुका होगा, वो मिलेगा भी नहीं मोची के पास।
इसका एक लाभ भी हुआ है, खाना जितना खराब होता जा रहा है बिक्री उतनी गंभीर हो रही है, खाना खराब होता जा रहा है बिक्री तेज होती जा रही है। सरकारी लोगों पर हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जो सरकारी लोग हैं उनके ऊपर हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही है। खाद्य कार्यालय, पुलिस अधिकारी सभी या तो अपने साथी नागरिकों की मदद कर रहे हैं, या उन पर कोई आरोप लगाकर जेल में भेज देते हैं। सौभाग्य से बहुत कम डच लोग गलत पक्ष में हैं और सारे विपक्ष में। तुम्हारी एन ये सब कुछ है, प्यारी किट्टी तुम्हें बता रही है। मंगलवार 11 अप्रैल 1944। मेरी प्यारी किट्टी सुनो, मेरा सिर घूम रहा है तुझे बताते बताते, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। गुरुवार जब मैंने तुम्हें पिछली बार लिखा था सब कुछ ठीक ठाक था। शुक्रवार गुड फ्राइडे को, शुक्रवार को क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, गुड फ्राइडे भी बोलते हैं। हम मोनोपोली खेल खेलते रहे, शनिवार भी हम यही खेल खेले, दिन पता ही नहीं चला दिन का कैसे बीत गए। शनिवार कोई 2 बजे का वक्त रहा होगा, बहुत तेज गोलाबारी शुरू हो गई, मशीन गने गोला दागने वाली चल रही थी। मर्द लोगों का यही कहना था, बाकी लोगों के लिए सब कुछ शांत था। आगे देखो, आप फिर आगे सुनो किट्टी। रविवार दोपहर के वक्त मेरे आमंत्रण पर पीटर 4:30 बजे मुझसे मिलने के लिए आया। सवा 5 बजे हम ऊपर सामने वाली अटारी पर चले गए, वहाँ हम 6 बजे तक रहे। 6 बजे से 7:15 बजे तक रेडियो पर बहुत ही खूबसूरत मोटा संगीत बज रहा था, है ना, गायन चल रहा था। अरे मुझे रात्रि राग बहुत ही भले लगे, मैं रसोई में तो संगीत सुन ही नहीं पाती क्योंकि दिव्य संगीत मेरी आत्मा की गहराइयों में उतरता चला जाता है, है ना। दिव्य संगीत है वो आत्मा में उतरता चला जाता है विद्यार्थियों। दिव्य संगीत का मतलब है कि हे ईश्वर आगे क्या होने वाला है। रविवार के दिन पीटर स्नान नहीं कर पाया था, नाने का टब नीचे ऑफिस में गंदे कपड़ों से भरा हुआ था। हम दोनों ऊपर अटारी पर एक साथ गए, हम दोनों आराम से बैठ सके इसलिए मुझे जो भी कुशन सामने नज़र आया, कुशन बोलते हैं विद्यार्थियों मुड्डा बैठने का, नज़र आया मैं ऊपर लेती गई, हम एक पेटी पर बैठ गए। अब हुआ यह कि एक तो वह पेटी बहुत छोटी थी और दूसरे कुशन भी छोटा सा ही था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत सट कर बैठे हुए थे, छोटा था सट कर बैठे नज़दीक रे। सहारा लेने के लिए हमारे पीछे 2 और पेटियां थी, है ना, पेटियां मोस्टली हमें कंपनी देने के लिए हमारे साथ थी। कंपनी का मतलब साथ, अंग्रेजी शब्द है साथ देना। चलो आगे। अचानक 9:45 बजे मिस्टर वानदान ने सीटी बजाई और पूछा कि कहीं हम मिस्टर डसेल का कुशन तो नहीं ले गए आए। सीटी बजाई कि डसेल का कुशन तो नहीं ले गए हो आप। हम कूदे और कुशन लेकर सीधे नीचे आ गए। बिल्ली और मिस्टर वानदान हमारे साथ थे, ये कुशन ही सारे झगड़े की जड़ था। डसेल इसलिए खपा थे कि मैं वो तकिया उठा लाई थी जिसे वे कुशन की तरह इस्तेमाल करते थे। डसेल इसलिए परेशान थे कि मैं उनका तकिया उठा लाई थी जो कुशन की तरह इस्तेमाल करते थे। उन्हें डर था कि उनके तकिए पर पिस्सू चिपक जाएंगे। क्या चिपक जाएंगे? पिस्सू चूंक में पाए जाते हैं। उन्होंने सारे घर को सिर पर उठा रखा था, खूब शोरगुल कर रखा था क्योंकि हम उनका कुशन उठा लाए थे।
बदला लेने की नीयत से पीटर और मैंने उनके बिस्तर में दो कड़े ब्रश घुसेड़ दिए। बदला लेने के लिए पीटर ने और हमने दो कड़े ब्रश का मतलब कलडेर या कठोर। लेकिन जब मिस्टर डसेल ने तय किया कि जाकर अपने कमरे में बैठेंगे तो हमें ये ब्रश निकाल लेने पड़े। इस छोटे से प्रहसन का अर्थ लिखो मजाक। इस छोटे से प्रश्न पर हम हंसते हंसते लोटपोट हो गए, लेकिन हमारा हंसी मजाक जल्दी ख़त्म हो गया। 9:30 बजे पीटर ने होली से दरवाज़ा खटखटाया और पापा से कहा कि वे ज़रा ऊपर आएं, हमें अंग्रेजी के एक कठिन वाक्य में दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत है सुनो, मुझे तो दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। ये मुहावरा है, इसको गोल राउंड कर देता हूँ, दाल में कुछ काला। इसका अर्थ है कुछ गड़बड़ होना, कोई ना कोई गड़बड़ है। मैंने मार्गोट से कहा, तय है पीटर ने किसी और बहाने से ये बात कही है। जिस तरीके से मर्द लोग बात कर रहे हैं, मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि सेंधमारी हो रही है। सेंधमारी जानते हो क्या? अरे किसी का पता लगाना। पिताजी मिस्टर वानदान और पीटर लपक कर नीचे पहुँच गए। मार्गोट माँ मिसेज वानदान और मैं ऊपर इंतज़ार करते रहे। 4 डरी सहमी औरतें बातें ही तो कर सकती है, और क्या कर सकती है। जब तक हमने नीचे जोर का एक धमाका नहीं सुना, हम बातों में लगी रही। उसके बाद का मामला है, मेरा सोचना सही था कि क्या हुआ है ना, क्या हुआ। ठीक है विद्यार्थियों, तो अब हम आपसे क्या हैं, इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे में। थैंक्स यू विद्यार्थियों।